And today we have with us Lakhan Bhagde from Nagpur, who has cleared the SBI PO 2019. मैं GA पे फोकस कर रहा था और साथ ही साथ essay letter भी बड़ा रोल प्ले करता है क्योंकि उसके मार्क्स ऐड होके आपका फाइनल स्कोर बनता है. तो GA एंड essay एंड लेटर ये क्या होता है, ये थोड़ा ट्रिक है कि आप उसको मेंस में क्या मार्क्स में कन्वर्ट करते हो और बाकी चीज़ें टफ होने के कारण आपको एटलीस्ट एवरेज अटेम्प्ट होने चाहिए, लाइक मैथ्स में भी, रीजनिंग में भी और इंग्लिश एज इट इज़ उसमें तो अच्छे होने चाहिए. ओके. तो उस केस में क्या करते हैं, मैथ्स के लिए आप मतलब लेवल बढ़ा देते हो कि आपका जो प्री का क्वेश्चन है अभी यहाँ पे नहीं आएंगे. Okay. उसकी लेवल हमेशा हाई रहेंगी. तो उसके लिए क्या होता है कि आपका प्रैक्टिस अच्छा होना चाहिए, आपने प्रीवियस पेपर कर मतलब अच्छे से करे हुए होने चाहिए और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में भी आपने देखना चाहिए कि नया क्या आ सकता है. और चांसेस बेसिकली हाँ, और हर साल क्या होता है कि कुछ ना कुछ नए चीज़ें डाल के वो पेपर को डिफिकल्टी लेवल को बढ़ा देते हैं. तो आपको वो विज़न होना चाहिए कि आप वो देख पा रहे हो कि इसमें वो क्या मिक्स कर सकते हैं. तो उसके लिए आपने रेडी होना चाहिए. और SBI PO की बात करें तो इट इज़ अ फुल ऑफ सरप्राइजेस एंड समवन सेज कि वो हॉरर शो होता है. अगर आप उस पेपर को देने जाओ तो हॉरर शो होता है कि आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे थे. तो आप सोचते हैं कि इसमें कितना ज़्यादा अटेम्प्ट करें, तो उल्टा हो जाता है कि आपको सोचना पड़ता है कि कौन कौन से क्वेश्चन आप बना सकते हैं इतने से. तो टाइम बहुत होता है, बट वही होता है कि आपको क्वेश्चन का इन डेप्थ नॉलेज आना चाहिए. थोड़ा भी मिस्टेक आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा और आपका मतलब वो तो नेगेटिव में चला जाएगा. इसलिए इन डेप्थ होना चाहिए अगर मैथ्स है तो. और रीजनिंग की बात करूँ मैं तो रीजनिंग तो पूरा पजल होता है और नॉर्मल चीज़ें भी पूछते तो उसमें भी पजल्ड कर देते हैं. तो उसका लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी बड़ा हाई कर देते हैं. तो उसमें आपको पेशेंस काम करना चाहिए. और मैंने पहले भी बोला है कि गो मतलब ऐसा करना चाहिए कि पूरे क्वेश्चन पहले स्कीम करो और उस 10 में से कौन सा इजी लग रहा है उसको पिक करो स्टार्ट में. तो सो दैट कि आपका कॉन्फिडेंस रेज हो जाए, क्योंकि ये डिफ़िकल्ट पेपर होता है बट आपका कॉन्फिडेंस क्या होता है, टफ क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया तो कॉन्फिडेंस लूज होगा. तो स्टार्ट में क्या करो, एक ईजी क्वेश्चन पिक करो, एक दो ईजी क्वेश्चन तो मिल ही जाते हैं, तो उसको पिक करके उसको बनाओ. वो हो जाता है ग्रीन, मतलब आपने उसको आंसर कर दिया. ओके. तो एक जो कॉन्फिडेंस आता है अंदर से, नहीं अब कर सकते, तो फिर आप फिर चेक करो कि कौन सा मॉडरेट लेवल का पजल है या मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है, उसको कर दो कि वो बना सकते हो. ऐसे करके आप क्या करो ना, पूरा क्वेश्चन पेपर स्कीम करके रख दो कि कौन कौन से क्वेश्चन बना सकते हैं. तो वो रीजनिंग में बड़ा हेल्प करता है. द टॉपर दैट वी आर गोइंग टू बी मीटिंग हैज सिक्योर्ड एन ऑल इंडिया रैंक 55 इन द नीट पीजी 2020. सो लेट्स वेलकम खुशबू. तो मैं एग्जाम हॉल में जब गई तो फिर वहाँ पे भी जाने के बाद फिर मैं डर नहीं रही थी बिल्कुल भी, क्योंकि मैं ये सोच लिया था मैंने कि अब कोई फर्क नहीं पड़ता, अब तो हो गया ना प्रिपरेशन, जितना भी होना था डरना नहीं है, बिकॉज दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट. मेरे बगल वाले लोग थे, दे वर पैनिकिंग लाइक एनीथिंग, मतलब लाइक उनको ये डर लग रहा था कि पता नहीं हम क्वेश्चंस भी देख पाएंगे या नहीं, हमसे होगा या नहीं. अब डर के क्या होगा, कुछ नहीं होना ना, जो करना था तुमने कर लिया, प्रिपरेशन कर लिया. एंड इवन ऐसा भी होता है ना, जो लोग आधा प्रिपरेशन के साथ जा रहे हैं उनका बहुत अच्छा हो जाता है, जो लोग फुल प्रिपरेशन के साथ गए हैं उनसे भी अच्छा हो जाता है, बिकॉज इट इज़ लाइक तुमने जितना पढ़ा है मे बी हो सकता है ना तुम्हारी ही प्रिपरेशन में से आ जाए. तो यू डोंट हैव टू वरी मच, अब तो जो होना है इसमें हो जाएगा. ठीक है, तो फिर ये था कि मैं बैठ गई और एग्जाम हॉल में बस यही सोच रही थी कि ठीक है अब पेपर स्टार्ट होगा, देना है. जैसे ही पेपर स्टार्ट हुआ तो बस फर्स्ट क्वेश्चन से अच्छे क्वेश्चंस, मेरे अकॉर्डिंग अच्छे क्वेश्चंस थे, तो अटेम्प्ट करना स्टार्ट किया. और मेरा ऐसा कभी नहीं था कि सी सेक्शन पहले करना है, बी बाद में करना है, ए बाद में करना है, जैसे क्वेश्चंस आएगा वैसे ही करना है. 300 क्वेश्चंस हैं, लाइन वाइज देखना है. तो फिर बट सिंस मुझे नहीं पता था कि पेपर लेंदी होने वाला है और ये हमारे लिए सबके लिए शौक था, जितने भी लोग हम लोग दे रहे थे एग्जाम्स, तो हमने इतना लेंदी पेपर कभी नहीं एक्सपेक्ट किया था ना दिया था. तो पेपर बहुत हमारे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से बहुत लेंदी था. तो उसमें ऐसा था कि हमारे पास टाइम कम पड़ गया. स्पेसिफिकली अगर मैं मेरी बात करूँ तो मेरे पास टाइम काफ़ी कम पड़ गया. मैंने रिव्यू के लिए क्वेश्चंस भी डाले थे एंड इवन लास्ट के 10 मिनट्स में मेरे पास 40 क्वेश्चंस बचे हुए थे. आई कुड हैव पैनिक्ड एट दैट टाइम, लेकिन मुझे ये तो पता था पहले से ही कि पैनिक करने से ये 40 के 10 भी नहीं बना पाऊंगी मैं. तो मैंने उस टाइम बस यही सोचा कि कोई बात नहीं, बस आगे बढ़ते हैं, अगर इवन 5 क्वेश्चंस भी हो पाए तो कोई बात नहीं, कुछ तो होगा. तो लेकिन मैंने 40 के 40 अटेम्प्ट लिए. मैं 40 तक रीच की एंड इवन 2 सेकेंड्स मेरे पास बच गए. तो मैं ये बोलूँगी कि हो सकता है कि एग्ज़ाम में कुछ अनएक्सपेक्टेड हो जाए, जो तुमने सोचा है वो नहीं हो. ऐसा था बहुत लोग के साथ, ऐसा था कि वो फैक्चुअल्स प्रिपेयर करके गए थे, क्लिनिकल बेस्ड आ गया पेपर. सो पैनिक नहीं करना है,
ठीक है तुमने प्रिपेयर किया है ना, ट्राई टू पुट इट, अब तो कुछ कर नहीं सकते, कुछ बदल नहीं सकते, तो वहां पे पैनिक करके कुछ नहीं मिलेगा. सो उस टाइम पे अपने आप को एकदम काम रखना है, कूल रखना है, जितना अपना बेस्ट दे सकते हो उस 3.5 आवर्स में दे देना है. बिल्कुल भी ये नहीं सोचना कि अब इसका रिजल्ट क्या होगा. रिजल्ट की फिक्र अगर करनी है तो एग्जाम हॉल के बाहर करो जी. एग्जाम हॉल के अंदर बिल्कुल भी एक बार भी ये मत सोचो कि हम टॉप करेंगे, हम ये करेंगे, हमने इतना पढ़ाई किया, हमने वो किया, रैंक आएगी कि नहीं. ये सब अभी सोचने का मोमेंट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है. यू जस्ट हैव टू डू वन थिंग कि जितना पढ़ा है उसको बस इंटीग्रेट करो अपने माइंड में और आगे आउटपुट दे देना है बस. एंड आज हमारे साथ हैं कृति जैन, हु इज एन एसबीआई पीओ 2019 बैच बेसिकली. सर स्विच वाज सो एक तो ऑनलाइन मतलब सर मेरे को मतलब सर बैंकिंग एक्चुअली बहुत ज्यादा मतलब जो अपडेशन हो रहा है क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा हो रहा है. एंड बुक्स से अगर आप सोचो कि आप हर बुक आपको वो अपडेटेड लेवल दे देगी, वो नहीं दे सकती. एवरी टाइम लाइक सर आईबीपीएस पीओ अगर यहां पे था तो एसबीआई पीओ के क्वेश्चंस का लेवल ऊपर ही होगा, तो वो लेवल नहीं मिलता. एंड ऑनलाइन आपको बहुत सारे रिसोर्सेज मिलते हैं, बहुत सारे टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस मिलते हैं, तो एक तो वो चीज़ हो गया. फिर सर दूसरा लाइक ऑनलाइन अगर आपको कोई डाउट है आप किसी भी टाइम ले सकते हो, है ना. बट ऑफलाइन में वो चीज़ थी कि फैकल्टी जो है वो आपको 2 आवर्स के लिए 3 आवर्स के लिए ही अवेलेबल है उन्हीं 2 आवर्स में, तो आप थोड़े रिस्ट्रिक्टेड हो जाते हो. एंड सर कई बार ऐसे डाउट्स होते थे कि आपको उस टाइम वो डाउट आ रहा है लेकिन बाद में आप भूल जाते हो कि वो डाउट है था या क्या एग्जैक्टली पॉइंट क्या था मेरा जो उस टाइम मेरे माइंड में चल रहा था, तो इसलिए मेरे को ऑनलाइन अच्छा लगा. फिर ऊपर से सर ऑनलाइन कन्वीनियंट है, मेरे को रात के 12 बजे ही पढ़ना है या 2 बजे ही पढ़ना है, तो मैं कभी भी उसमें मतलब जो मेरे को जो भी चैप्टर समझना है मैं इजीली उस पर पढ़ सकती हूँ. बट रात के 2 बजे मैं किसी फैकल्टी को नहीं बोल सकती कि मेरे को आके पढ़ाइए, तो वो चीज़ है, इसलिए मैं ऑनलाइन में स्विच करती हूँ.